देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस ने फिर खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना को लेकर पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। कोरोना के मामले में आई तेजी के बाद पाबंदियों की शुरुआत भी हो गई है। हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि 100 से ज्यादा की भीड़ जहां हो वहां मास्क पहनना जरूरी होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल वीज ने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमने हेल्थ वर्कर और 100 से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने वालों के लिए मास्क अनिवार्य किया है। हमारे यहाँ अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 724 है, लेकिन उनमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 अप्रैल से तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यन ने कहा कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगियों, भर्ती मरीजों, आगंतुकों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।